जिंदगी इंसान की खत्म हो जाती है लेकिन घर के काम नहीं खत्म होते, तो सेम मेरे साथ भी यही है कि पूरा पूरा दिन खत्म हो जाता है लेकिन मेरे काम खत्म नहीं होते हैं। रोजे के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। शुक्र है यहाँ पे थोड़ी छांव भी है और हवा भी अच्छी चल रही है, गर्मी तो है लेकिन मजा आ रहा है। Hi guys, welcome back to another new vlog. आज है सैटरडे और छुट्टी का दिन है। एज यूजल मेरे काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े, मैं अभी फिलहाल सोकर उठे, भी बज रहे हैं 11:30 और आज है तीसरा रोजा मेरे ख्याल से। हाँ तीसरा रोजा है आज, मैं भूल गई थी, तीसरा रोजा है आज और आज है हफ्ता। अभी मेरा हो रहा है सफाई का दिन क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने सफाई नहीं की थी, साइमा ने की थी, मैं पंजाब गई हुई थी तो साइमा आपको पता फिर कहते सफाई करती है। तो फिलहाल अभी मेरा है जो सफाई का दिन, मैं अभी व्लॉग शुरू कर दिया है और मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। आज बहुत ज़्यादा बिजी दिन है मेरा जाने वाला और बहुत सारे काम मेरे करने वाले, थोड़े बाहर के भी हैं थोड़े घर के भी हैं। तो फिलहाल व्लॉग शुरू कर दिया, सब शुरू कैसे प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब दे, व्लॉग देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन लाल से वाइट कर दिया करें। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मैं सफाई कर लेती हूँ, उसके लिए आवाज़ मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ओ शिट, कैमरा हिल गया।
फाइनली गाइस कारपेट धुल चुका है और बहुत ज़्यादा साफ हो गया है, आप देख सकते हो। सारा सर्फ वगैरह है, थोड़ा बहुत है सर्फ, थोड़ा सा मामूली सा, ज़्यादा नहीं है, बस वो भी निकल जाएगा दो तीन दफ़ा पार्टो पड़ने से। अल्हम्दुलिल्लाह कारपेट धुल चुका है, अब मैं हो गई फ्री और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। फाइनली जी सारा कारपेट धुल चुका है, साफ हो चुका है, आधे पे धूप आ रही है आधे पे नहीं आ रही है, तो ये आज दो दिन तक नीचे रखा रहेगा, फिर उल्टा कर देंगे, फिर सूख जाएगा, फिर उसके बाद उठाएंगे। ऑलमोस्ट 3 दिन लगेंगे इसको सूखने में, चलती हूँ नीचे और नमाज अजान का टाइम हो रहा है और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। बहुत धुल गया आसानी के साथ, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ना ही रोज़ा लगा मुझे, क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। इस टाइम पे मैंने मोबाइल लगाया हुआ था, वो भी चलते हैं नीचे और आपसे मैं मिलती हूँ फिर होने के बाद। हेलो, तो गाइस सभी मेरे टाइम हो गया ऑफिस के कपड़े ब्रश करने का। अभी मैं बाहर गई थी, मैं कुछ सामान लेके आई थी खाने पकाने का, वो मैं ले आई, उसके मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा रश था बाहर। फिर उसके बाद मैं गई मार्केट, मेरी जो दादी हैं वो इस पे लेटती हैं, वो चरपाई पे लेटती हैं, चरपाई पे के अलावा वो नीचे नहीं लेट पाती हैं, तो उनके लिए एक नई चरपाई भी लेने गई थी, वो भी ले आई मैं, उसका भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं जल्दी में गई और जल्दी में ही वापस आ गई मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ, उफ गर्मी बहुत है, कपड़े प्रेस करने हैं पूरे हफ्ते के लिए, क्योंकि बार 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 मेरे से नहीं होते कपड़े प्रेस। और कुछ कपड़े पड़े हैं धोने वाले जो मैं पंजाब लेके गई थी और मैंने नहीं धोए, क्योंकि मैं अपने ऑफिस के कपड़े मशीन में नहीं धोती हूँ, तो मशीन तो लग के ख़त्म हो गई, इसको मैंने हाथ से धोने हैं, लेकिन पहले अपने कपड़े प्रेस कर लूँ। ऊपर से लाइट गई हुई थी, अभी आई है थोड़ी देर पहले, मैंने सोचा इससे पहले कि फिर दोबारा चली जाए तो लाइट, पहले ला कपड़े इस्त्री कर लेते हैं उसके बाद फिर कोई और काम करते हैं। ओहो पहले शिट, ट्रेडमिल किसी ने लगाई हुई है मुझे पता नहीं, और मैं उसमें मशीन लगा रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद के बाद, थोड़ी देर फ्री होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। मसले मसाइल नहीं ख़त्म होते, ज़िंदगी इंसान की ख़त्म हो जाती है लेकिन घर के काम नहीं ख़त्म होते, तो सेम मेरे साथ भी यही है कि पूरा पूरा दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन मेरे काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो फाइनली ये काम भी ख़त्म हो गया, आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया है, अभी चलते हैं नीचे क्योंकि असर की नमाज का टाइम होने वाला है, और चल के देखते हैं कि अफ्तारी में क्या बन रहा है और मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। अफ्तारी में बन रहा है चने की चाट, बन चुकी है, साहिबा के पकौड़े बना रही है, खुद बना रही है, पागल है। साइमा पकोड़े बना रही है, तेल डाल रही है, तेल ऑलरेडी इसके अंदर दो दो फ्राई पैन में भर के रखा हुआ है इसने, तो फाइनली ये भी अफ्तारी बन रही है। मुझे थोड़ा सा काम होकर तो ऊपर का काम करकर जल्दी से नीचे आते हैं और फिर अफ्तारी में 1.5 घंटा ही रह गया है सिर्फ, जल्दी से वो भी काम निपटा लेते हैं। वो काम क्या मैं आपको बताती हूँ अभी। फाइनली जी हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं और पकोड़े कुछ ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी सी ज़बरदस्त आलू के पकोड़े हैं ना, ये मिक्स पकोड़े हैं और ये नीचे गिर गए और ये अभी मजीद बन रहे हैं। तो अभी गाइस काम क्या है, वो काम ये है कि जो सारे जितने भी शर्ट्स वगैरह पड़ी हैं इसमें जो वीडियो वगैरह मैं बनाती थी पहले मैंने सही करके रखे थे, लेकिन ये फिर दोबारा साइमा और मैंने दोनों ने ख़राब कर दिया है, तो अभी फाइनली सारी
चुकी हैं, इन सब को पैक करके मैं रख के आ रही हूँ नीचे कबर्ड में, और वहाँ से सिर्फ दूसरी वालियाँ पहनने वाली हैं, और क्योंकि मुझे कल बनानी है इंस्टाग्राम की रील, क्योंकि पिछले दो हफ्ते से मैंने कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि मैं पंजाब गई हुई थी। तो अभी फिलहाल कंटेंट बनाना है यूट्यूब का, और सॉरी यूट्यूब बोल रही हूँ इंस्टाग्राम का। तो पहले मैं सारी जितनी भी यूज़ हुई हुई हैं वो सारी की सारी मैं रख कर आती हूँ, मैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही अब आई, तो इन सबको तय करके मैं रख के आती हूँ नीचे, और दूसरी वाली शर्टें लेकर आती हूँ और यहीं पे करती हूँ ब्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते प्लीज़ 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 हम लूकास फॉर ऑल ऑफ यू डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।